ना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी देखें तो ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से आया और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट कैसे होता गया इन ऑर्डर टू मेक द एक्सचेंज सिस्टम सिंपल ईजी एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम विथ सेटिसफाइड द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एक फंक्शन ऐसा आया जो एक्सचेंज सिस्टम को सिंपल कर दिया ईजी भी हो गया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया यूनिवर्सल लेवल पे आप लोग देखोगे तो क्या यूज़ होता है आजकल मनी यूज़ होता है और स्टोर वैल्यू भी ईजी हो गई ऐसा एक सिस्टम आया वो कौन सा सिस्टम था वो मनी था नेक्स्ट अंडर द बाटर सिस्टम कॉमोडिटीज़ एंड एनिमल्स व यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया बाटर सिस्टम के टाइम पे क्या हो रहा था एनिमल्स कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज होते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया एग्रीकल्चर बीइंग अ मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देर वाज अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड स्टॉक टू स्टोर रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स वर सोल्ड बाय एनिमल्स अभी क्या करते थे एग्रीकल्चर आपने देखा कि मेन एक्टिविटी था इंडियन इकोनॉमी में सो so, क्रॉप्स वो लोग उगाते थे साथ साथ में खुद के लिए रख देते थे जितना चाहिए बाकी जो क्रॉप्स थे वो एनिमल्स परचेस करने के लिए बेच दिए जाते थे सो so, क्रॉप के अगेंस्ट में वो लोग क्या लेना स्टार्ट कर दिया अभी दे स्टार्टेड एनिमल्स परचेसिंग नेक्स्ट वन इन दिस वे लाइक हॉर्स काओ बफेलो बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रेड धीरे 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 ये सब चीज़ें एज अ ट्रेड के तौर पर यूज़ होने लगी मीन्स इनका मेजर एक्सचेंज हो रहा था

दस वेलेबल मिनरल स्टोन्स वर ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ एनिमल्स अभी एनिमल्स की प्लेस पे क्या यूज़ करने लगे ये लोग मिनरल्स और स्टोन्स यूज करने लगे धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी पहले क्रॉप स्टोर करते थे फिर एनिमल्स को एक्सचेंज के सिस्टम में लाया इन लोगों ने फिर क्या लाया फिर मिनरल एंड स्टोन लाया ऐसे ऐसे क्या होता जा रहा है देखो दे दे आर गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फॉर एक्सचेंज आफ्टर द यूज ऑफ द कॉइन्स वर स्टार्टेड ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ द ट्रेड बट हैविंग वन लिमिटेशन इट इज़ इट वॉज यूज इन लिमिटेड एरियाज ओनली अगर हम लोग देखें तो इसके बाद हम लोगों ने कॉइन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया था जो ट्रेड के लिए एक्सचेंज के लिए काम आता था बट लिमिटेशन था कि वो कुछ ही एरिया में सिर्फ कॉइंस यूज़ हो रही थी बाकी कहीं कहीं पे यूज़ नहीं हो रही थी ड्यू टू डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्राइजेशन नीड फॉर मॉर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स अराइज जिस जैसे इंडस्ट्राइजेशन होता गया सो so, एक नीड अराइज हुआ कि कुछ ना कुछ हमको चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और मनी का इंट्रोडक्शन हुआ बाय द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मनी बिकम द वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसने सपोर्ट किया सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने हमको सपोर्ट किया और उसने एक्सेप्ट किया और उसने सब जगह लागू करवा दिया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट मनी मनी इज गोइंग टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिवर्सली एंड इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड देन मनी ऑल्सो एज सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन स्टोरेज ऑफ वैल्यू ऑफ़ मनी और जैसे ही म, मनी आ गया तो वो सक्सीड हो गया जो भी लिमिटेशन थे बाटर सिस्टम में एक जो लिमिटेशन स्टोरेज ऑफ वैल्यू वाला भी था उसको भी इसने ओवरकम कर दिया और धीरे धीरे मनी आ गया सबको एक्सेप्ट भी होने लगा अच्छा भी होने लगा एक्सचेंज भी होने लगा सब लिमिटेशन जो बाटर सिस्टम के थे वो इसने ओवरकम कर दिए सो वन नाइस कंसेप्ट वी कैन से इट हैज डेवलप्ड डेवलप्ड ना कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक

एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट किसी भी डाउट नहीं हमारे माइंड में कि क्या देना है मेरे को कोई चीज़ लेने जानी है तो कोई डाउट है क्या क्या देना एक्सचेंज में नहीं कोई डाउट ही नहीं है क्या देना है मनी देना है इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं किस भी एरिया में जाओ किसी भी प्लेस में जाओ किसी भी कंट्री में जाओ किसी भी एरिया में जाओ तो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठती हूँ कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ देनी है एक ही चीज़ पता है क्या चलती है मनी चलती है एक्सचेंज में रिगार्डलेस ऑफ टाइम कितने भी साल के बाद कहीं पर भी जाओ क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग मनी कोई भी जगह पर जाओ क्या यूज़ कर रहे हैं मनी यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन वट इज़ यूनिवर्सली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूनिवर्सली एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में वो क्या है मनी है सो दीज बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ यू कैन से मनी देन फंक्शंस ऑफ मनी फंक्शंस मीन्स क्या काम करता है मनी सो so जो लिमिटेशन थे बाटर सिस्टम के वही इसके काम हो जाएंगे क्योंकि ये आने के बाद इसने सब के सब उसके लिमिटेशन जो है वो ओवरकम कर दिए फर्स्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैसे यूज होता है एक तरह का मीडियम है जो एक्सचेंज के काम आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर एक जैसे मनी आ गया तो क्या हो गया एक्सचेंज बहुत इजी हो गया और जो भी लिमिटेशन थे बाटर सिस्टम के वो सब हट गए एक लिमिटेशन जो था डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट एक ही टाइम पे दो वॉन्ट सेटिस्फाई हो सकते हैं और एक्सचेंज भी ईजियर हो जाता है क्योंकि पैसा है तो हम लोग पांच चीज़ें चाहें साथ में डबल क्या ट्रिपल फोर टाइम्स फाइव टाइम्स जो चीज़ें चाहिए एक्सचेंज में हम लोग ले सकते हैं लेकिन जब भी गुड्स हुआ करते थे तो सामने एक ही चीज़ एक्सचेंज होती थी बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज नहीं होती थी जैसे ही मनी आ गया तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट पॉसिबल होने लगा द नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट एंड देन फ्रॉम मनी ही कैन बाय क्लोथ्स राइस और एंड घी ऑल्सो है ना अभी क्या होने लगा एक जो फार्मर है वीट उगाता है एक्सचेंज में उसको क्या मिल जाएगा मनी मिल जाएगा और वही पैसा लेके वो मार्केट में जाके उसको जितनी चीज़ें चाहिए वो ले सकता है then does money is used as a medium of exchange to satisfy the need of individual for buying goods and services तो so, इस तरीके से क्या होने लगा मनी जो है एक तरह का medium of exchange किसके लिए to satisfy the needs of individual for buying goods and services now next one money as a store of value बाटर सिस्टम में जैसे गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे लेकिन मनी को हमने देखा है हम लोग स्टोर कर सकते हैं आपने देखा होगा हमारा जो पैसा है वो बैंक में कैसे क्या होता है एक तरह का स्टोर रखा हुआ है बहुत सारे ईयर्स तक भी अनदर फंक्शन ऑफ़ मनी इज़ मनी एज अ स्टोर ऑफ़ वैल्यू बिफोर द यूज़ ऑफ मनी गुड्स वर सेव फॉर फ्यूचर नीड्स बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स बिकॉज द गुड्स आर पेरिशेबल एंड एनिमल्स वर मॉटर ऑल्सो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन का बिफोर यूज ऑफ मनी मनी से पहले गुड्स को हम लोग फ्यूचर नीड्स तक सेव नहीं कर सकते थे बहुत डिफिकल्ट था उसको स्टोर करना गुड्स को बिकॉज द गुड्स वर पेरिशेबल और एनिमल्स जो थे वो मॉटल थे गुड्स ख़राब हो जाते थे एनिमल मर जाते थे तो स्टोर नहीं कर सकते थे नेक्स्ट वन मनी इज़ मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम टाइम के हिसाब से स्टोरेज बहुत लॉन्ग पीरियड तक हम लोग कर सकते हैं बैंक में हमारा मनी जो है कितने ईयर्स तक रहता है सो स्टोरेज बिकम सक्सेसफुल इट बिकम ईजी टू मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स एंड सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स ऑल्सो मनी क्या हो गया एक तरह से एक्सचेंज भी इजी हो गया और सेव करना भी इजी हो गया सो so, दोनों ही दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो गई अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी वाज इट इट कैन बी यूज डिफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट के तौर पे भी इसको यूज किया गया कैसे जैसे मनी पहले जो सिस्टम था बाटर सिस्टम उसमें डिफर्ड पेमेंट नहीं होती थी डिफर्ड मींस इंस्टॉलमेंट पेमेंट चीज़ है उस टाइम पे जितना अनाज है लेके सामने चीज़ें मिल रही है म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो रहा है तो लेके जाओ लेकिन जैसे ही पैसा आ गया तो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया आपने देखे देख जैसे देखा होगा आजकल कोई भी चीज़ें हम लोग लेने जाते हैं तो क्या है इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें अवेलेबल है डेट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इंस्टॉलमेंट का सिस्टम अराइज हुआ कब जब मनी आया तब नेक्स्ट वन नाउ थर्ड वन मनी एज अ मेजर ऑफ़ वैल्यू हमने देखा बाटर सिस्टम में गुड्स को मेजरिंग वैल्यू देना बहुत मुश्किल था ट्वेंटी के जी वीट के सामने कितना राइस कितना घी कितने क्लोथ्स एक्सचेंज होंगे वो सब डिफ़िकल्ट था लेकिन अभी क्या हो गया मेजरमेंट ईजी हो गया एक डिसाइड हो जाता है सबके लिए वही सेम हो जाता है मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर ऑफ़ वैल्यू इन बाटर सिस्टम इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज वैल्यूज एंड रेट्स मनी इम्प्लाईज द प्राइस सिस्टम मनी के आने की वजह से क्या हो गया प्राइस सिस्टम ईजी हो गया आजकल तो किस, किसी भी चीज के लिए जाओ तो रेट्स लिखे ही होते हैं इट्स वेरी ईजी ना कि वेरीफाई टू रेक्टिफाई टू नो वट इज एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स इट इज ऑल्सो अलाउ द फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज फास्टर डिसीजन इतने का है अमाउंट लिखा हुआ है प्राइस लिखा हुआ है अगर हमको समझ में आता है तो डिसीजन हम लोग ले लेते हैं टू परचेज एक्सचेंज भी हो जाता है इजीली, सो डिसीजन मेकिंग फास्टर भी होता है और एक्सचेंज भी इजी हो जाता है किसकी वजह से मनी की वजह से ओके थैंक यू